माह से लेकर अब तक दिग्रह शहर के विश्राम गृह के सामने स्थित वेटरनरी अस्पताल से सटी जलापूर्ति पाइपलाइन मरम्मत का काम अधर में लटका पड़ा है, जिससे यहां का रास्ता भी बंद हो चुका है। पेश है दिग्रह से संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। बीते अगस्त महीने से दिग्रह विश्राम गृह के सामने स्थित पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। इस संदर्भ में NBCN न्यूज़ ने अगस्त माह में भी संबंधित ठेकेदार से बातचीत की थी। उस वक्त 3 दिन जलापूर्ति रोककर इस पाइपलाइन की लीकेज की समस्या को दूर करने का वादा किया गया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में बुधवार को नगरपालिका के मुख्याधिकारी शेषराव टाले से इस बारे में NBCN न्यूज़ ने प्रतिक्रिया ली है। त्या ठिकाणी जे लीकेज आहे ते 550 MM ची एक मोठी लाईन आहे आणि ती लाईन पूर्ण ड्राय केल्याशिवाय ती लीकेज काढल्या जाऊ शकत नाही। मागील 15 दिवसापूर्वी पाऊस असल्यामुळे तिथं खोदकाम जे केलं होतं त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून गेलं होतं, ते पूर्ण त्याचं डिवॉटरिंग करावं लागतं। आणि आता पाऊस उघडलेला आहे, परंतु दसरा महोत्सव असल्यामुळे या पिरियडमध्ये आपल्याला 3 ते 4 दिवस पाणी पुरवठा बंद ठेवता येणार नाही, त्यामुळे दसरा झाल्यानंतर आपल्याला 1-3 ते 4 दिवसाचं बंद घेता येईल आणि त्या कालावधीमध्ये ते दसऱ्याच्या नंतर 4 ते 5 दिवसामध्ये आणि काम पूर्ण होईल। मालूम हो कि वेटरनरी अस्पताल से सटी इस पाइपलाइन से शहर के अधिकतर इलाकों को जलापूर्ति की जाती है, लेकिन इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खुदाई की गई थी, जिस वजह से यहां का रास्ता बीते 2 माह से बंद पड़ा है। आपको बता दें कि इस रास्ते से वाल्मीकि नगर, भाटीपुरा, ताजनगर सहित शहर के अन्य इलाकों के लोग हजारों की तादाद में रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन बीते 2 माह से यह रास्ता बंद होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही है। इस बारे में मुख्याधिकारी साहब ने इस काम में हुई देरी के लिए बारिश का हवाला दिया है, जो कि सच है लेकिन पूरा सच नहीं, क्योंकि इस बारे में NBCN न्यूज़ ने अगस्त माह में खबर प्रकाशित की थी, जिसमें संबंधित ठेकेदार ने 3 दिन तक शहर की जलापूर्ति बंद कर इस काम को निपटाने का हवाला दिया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। शहर में इसी तरह की कई और समस्याएँ बंद डिब्बे में पड़ी है, क्योंकि जनता खामोश है और जनता की समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों ने भी चुप्पी साध ली है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रह से जुबैर खान की रिपोर्ट।